हम लोग आए हैं, अपना ये ओरिजिनल का एसी है, 4 टन का डक्टेबल यूनिट है। तो इसमें क्या प्रॉब्लम है, ये इसका कंप्रेसर ख़राब है। अभी हम लोगों ने इंस्टॉल किया था, मिनिमम 1 मंथ हो गया इसको चलते हुए, तो इसका कंप्रेसर का प्रॉब्लम आ रहा है कि कंप्रेसर जैसे ही स्टॉप होता है तो MCB ट्रिप हो जाता है, पावर कट ऑफ हो जाता है। तो उसमें क्या, इसके बाद में हम लोगों ने इसको चेक किया तो इसमें क्या है कि इसका कंप्रेसर फॉल्टी है, कंप्रेसर या ग्राइंड हो चुका है। तो चलिए हम लोग दिखाते हैं आज हम लोग के कंप्रेसर कैसे रिमूव करते हैं, क्या क्या उसमें प्रोसेस होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसका गैस लाइन लेंगे, लाइन लेने के बाद में इसको गैस निकालेंगे इसका। ये हमारे पास है लाइन, ये लाइन हम लोगों ने मीटर में लगाया। मीटर में लाइन लगाने के बाद में इसको यहाँ पर लगा देते हैं, यहाँ पे लाइन लगाया है, लगाने के बाद इसमें 200 प्रेशर है तो हमको इसको रिलीज करना प्रेशर को। ये देखो किस हिसाब से इसका प्रेशर निकल रहा है, पूरा पूरा गैस का प्रेशर रिलीज हो रहा है। अभी हम लोगों ने ढक्कन ओपन कर लिया, ओपन करने के बाद में हम लोगों ने ये पहले ही कल चेक किया था, तो हम लोगों ने इसको कवर कंप्रेसर का निकाल के रखा था। मैं नीचे डाल लेता हूँ ताकि पैरों में घूमने ना लगे। बाद में इसके कनेक्शन हम लोग ओपन कर लेंगे, कनेक्शन ओपन कर लेते हैं। ये अभी देखो इसका प्रेशर इतना है कि ये पूरा वाइट हो गया, आइस आ गया इसके लिए, ठीक। लेकिन कोई बात नहीं, अभी इसको निकलने देते हैं, प्रेशर के पूरे को अच्छे से रिलीज होने देते हैं। इसके बाद में अभी हम लोग इसमें क्या करते हैं,
फ्रेंड अभी हम लोग अभी इसको रिमूव करेगा। अभी सबसे पहले हम लोग ब्रेजिंग टॉर्च स्टार्ट कर लेते हैं। बंद किया ना, हम लोगों ने ब्रांडिंग जो है इसका हम लोगों ने निकाल दिया है। अभी हम लोग इसको करेंगे बाहर। बाहर करने के बाद इसको लेके जाएंगे तकीब में, तकीब से इसको चेंज करके लेके आते हैं। ओके, बंद करो। हम लोगों ने फाइनली ये कंप्रेसर बाहर निकाल लिया है। ये कंप्रेसर बाहर निकाल लिया, अभी हम लोग इसको लेके जाएंगे तकीब। ओके चलो, अभी हम लोग जा रहे हैं ये कंप्रेसर लेके अभी हम लोग जा रहे हैं कंप्रेसर
लगाने के लिए। ये हमारा गंजा ड्राइवर है। गंजा तो अभी हम लोग निकल दिए तकीब से, हम लोग कंप्रेसर चेंज करके लेके आ गए, आधा रास्ता भी आ चुके हैं हम लोग। कैसी हो तुम? मैं बताती हूँ मेरा अवस्था भी हुई आए हाय हाय ही है, वॉकिंग इन द सन एंड कमिंग टू वर्क। किधर से? ये देख, ये देख, मैं राहत निकल गई इधर से। मुश्किल है इसके अंदर लगा तो इसके अंदर हम लोग कंप्रेसर उठाने वाले हैं। ओके, दूसरा उधर पीछे का देखो, अरे ये क्यों गिर रहा है इसमें? फ्रेंड हम लोगों ने कंप्रेसर लगा के उसको पैक किया है। अभी ये था वैक्यूम किया उसको, वैक्यूम करने के बाद में अच्छे से उसका फिक्सिंग स्टार्ट हो रहा है, फिक्सिंग कर रहे हैं। जाने सटो साठ थोड़ा सा, अभी इसके अंदर हमने वैक्यूम करके छोड़ा, अभी हम लोग गैस डालते हैं इसके, और गैस हमेशा इसमें लिक्विड में डालना है, 410 हमेशा गैस लिक्विड में डालना है। तो सिलेंडर को सबसे पहले हम लोग ओपन करके उल्टा करेंगे, उल्टा करके इसको गैस ओपन करेंगे, गैस का किया हम लोगों ने गीजर ओपन, और इसमें आप देखते होंगे प्रेशर जा रहा है, बीच बीच में बंद करके भी चेक कर लेने का। प्रेशर जानी तो इसमें गैस का पूरा अच्छे से कनेक्शन करके इसको शो कर दूँ, तो इसके अंदर जो गैस जाएगा वो जाएगा 4 किलो 100 ग्राम इसके अंदर गैस जाएगा। फाइनली हमारा ये एसी चालू हो गया है अच्छी कंडीशन में, कूलिंग भी आना।